Please subscribe and hit the bell icon for daily notifications. Hello and welcome. मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं माई किचन माई डिश. मेरे आज की एपिसोड की रेसिपी है लाहौरी चरगा. तो ये जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, हमने बनाया है लाहौरी चरगा. और ये देखिए, मैंने लिया है एक चिकन. 1.25 किलो के चिकन को साफ करा लिया है और इसका वेट इस वक्त 750 ग्राम है. तो बस लाहौरी चरगे के लिए इतना बड़ा चिकन काफ़ी है. तो इस चिकन को बनाने से पहले मैरिनेट करना है. बिल्कुल मैंने इसे धोकर टिश्यू पेपर से सुखा दिया है और अब मैं इसके ऊपर ऐसे गैशेस लगाऊंगी जैसे मुर्ग मुसल्लम में लगाते हैं. थोड़ी दूर दूर, एक एक इंच की दूरी पर लगाएंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक नहीं लगाएंगे. और बिल्कुल डीप गैशेस लगाएंगे ताकि मसाला अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए. तो ऐसे. और जब ये कट्स लगाते हैं तो इस पर बड़ी प्यारी सी डिज़ाइन दिखने लगती है. तो ये देखिए, मैंने गैशेस लगा दिया. इसके लेग्स पे भी लगाएंगे और इसको पीछे पलट के इसके दोनों विंग्स को ऐसे फोल्ड कर देंगे पीछे की साइड, तो उससे ये कंट्रोल में दिखाई देता है. और इसके थाइस पर भी ऐसे कट्स लगा देंगे. तो पूरे चिकन पे मैंने अच्छे से गैशेस लगा दिए हैं. अब मैं इसके मसाले की तैयारी करूँगी. इसका मसाला बनाने के लिए मैं लूँगी एक मिक्सिंग बोल और इसमें डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून घर की गाढ़ी दही. बिल्कुल गाढ़ी दही है, पानी निकला हुआ. तो अरे, 1 अंडा, नींबू का रस मैंने निचोड़ा है. जो बीज गिर गए हैं उन्हें मैं निकाल दूँगी. देखिए, बीजों को मैंने निकाल दिया और पूरा 1 नींबू मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया है. ज़ीरा पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर मैंने डाल दिया है. अब इस सब को मिलाऊंगी और साथ ही इसके अंदर ऐड करूंगी ये गार्लिक पाउडर, मींस लहसुन का पाउडर. आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं. ये कैमरे में दिखाने से रह गया है. तो सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिया और वो लहसुन का पाउडर भी डाल दिया. अब इसे पूरा मसाले को मिलाकर मिक्स कर दूंगी. आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं. हम चाट मसाला ऊपर से छिड़कते हैं. मसाला तैयार हो गया. अब इस चिकन को इस मसाले से पूरा अच्छी तरीके से मसाला चिकन पे लगाएंगे. ऐसे लगाएंगे कि सारे गैशेस के अंदर मसाला अच्छी तरीके से बैठ जाए. हाथों की मदद से लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मसाला फिर अच्छी तरीके से सब जगह मल दिया जाता है. मीन्स इसके ऊपर रब कर देंगे, मल देंगे मसाले को. और थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून. अब मैं इस मसाले को हाथ से इसके अंदर लगाऊंगी अच्छे से. और चिकन के स्टमक, मतलब पेट की केविटी के अंदर भी मसाला अच्छी तरीके से लगा देंगे. मसाला बहुत अच्छी तरीके से लगा है, चरगे का टेस्ट उसी से आता है. पूरा पलट के, अलट पलट के इसे लगा दिया, मसाला लगा दिया. अब मैं इसे 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी. फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखूँगी. और ये देखिए, 5 घंटे कंप्लीट हो गए और मैंने इसे फ्रिज में से बाहर निकाला है. बीच बीच में 2-3 बार आकर मैंने फ्रिज में भी इसे अलट पलट किया है, तो उससे मसाला चारों तरफ अच्छी तरीके से लग गया है. अब इसे पकाने की तैयारी करेंगे. तो पकाने के लिए सबसे पहले इसके दोनों ये लेग्स को, मीन्स दोनों रानों को ऐसे पकड़ के क्रॉस रखेंगे और उसे बांध देंगे मोटे धागे से. दोनों को ऐसे क्रॉस रखेंगे. मुर्गा कह रहा है मुझे मत बांधो, मत बांधो, लेकिन फिर भी मैंने उसे बांध दिया है. बांध देने से वो कंट्रोल में रहता है, नहीं तो पकते टाइम पे लेग्स ऐसे ऐसे फैल जाते हैं बेतरतीबी से. अब इसके पकाने की तैयारी. तो मैं इसे स्टीम में पकाऊँगी. तो मैंने ये देगची में स्टीम पानी ले लिया है, डाल दिया है, और इसके ऊपर मैं ये स्टीमो रखूँगी. और इसी स्टीमो में रखकर मैं चिकन को पकाने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं उस देगची के पानी को गर्म होने के लिए रख दूँगी. अगर आपके पास ऐसी स्टीमो ना हो तो आप कोई भी देगची लेकर उसके ऊपर कीमा छानने की छलनी लगाकर ऐसे स्टीम कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं इसे गर्म होने रख दूँगी पानी को. पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर चिकन को पकने के लिए रखूँगी.
अब ये देखिए पानी उबलने लगा है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये स्टीमो। इसे पकाने के लिए मींस आप कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करें कि आपका चिकन स्टीम में पके। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बीचों बीच में इस चिकन को रख दिया है, स्टीम ऊपर आने लग गई है, बड़े बड़े होल हैं उसमें। इसमें जो प्याले में बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर से पूरा डाल दूंगी, अच्छी तरीके से पूरा मसाला इसके अंदर डाल के, और फिर मैं इसे ढक दूंगी और इसे 30 से 40 मिनट तक पकाऊंगी। उतना टाइम बहुत अच्छा काफ़ी होता है इसे गल जाने के लिए और पक जाने के लिए। ये देखिए ये पकना शुरू हो गया, मैं इसे ढक दूंगी और अब मिलते हैं 30 से 40 मिनट के बाद। और ये देखिए मेरा चिकन पक चुका है। इसकी पहचान ये है कि हड्डी को गोश्त ने छोड़ना शुरू कर दिया है, आपको वाइट वाइट हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये कि ये चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसका गैस बंद कर दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। इसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। तेल गर्म होने के को चेक करेंगे और ये देखिए मेरा तेल गर्म हो गया, इसमें छुन छुन होने लगी है। तो मैं अब इसके ऊपर चिकन को इसके अंदर डाल दूँगी और 10 से 12 मिनट तक इस चिकन को मैं मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करूंगी। 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से और दोनों साइड करवट से भी 2-2 मिनट पकाऊंगी। तो टोटल मिला के मतलब 12 मिनट तक इसे फ्राई करना है। अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, मैंने ली है नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, तो ये बिल्कुल कढ़ाई में चिपकता नहीं है। आप भी जहाँ तक कोशिश करें कि ऐसे बर्तन में पकाएं जिसमें खाना चिपकता नहीं हो। देखिए इसे मैंने पलट दिया और पलट पलट के इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये लाहौरी और बहुत ही टेस्टी लाहौरी चरगा बन के तैयार हो रहा है मेरा, और खुशबू भी बहुत आ रही है घर में। चारों तरफ दोनों साइड करवट से भी सब तरफ से इसे फ्राई करेंगे और जब इसे हैंडल करेंगे तो आप चिमटे की मदद से ये करें, नहीं तो तेल कभी उछलने का डर रहता है, हाथ से छूट जाने का डर रहता है। तो इसे आप चिमटे की मदद से करें, जैसा कि चिमटा मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है। अब इस तरीके से इसे चारों तरफ से फ्राई करेंगे और ये बाहर से भी बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है और अंदर तो वो बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और वो इस तरीके से पका है कि वो फ्राई करने में टूटे नहीं। ये फ्राई होके तैयार हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी ऑयल में से और इसने ऑयल बिल्कुल नहीं सोखा है, आप देखिए। अब मैं देखिए लाहौरी चरगा मेरा बन के तैयार है, मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना जूसी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये, मैंने इसे 4-5 घंटे तक मैरिनेट करके फ्रिज में रखा और मैंने इसे 40 मिनट तक स्टीम में पकाया है और 12 मिनट तक फ्राई किया है और ये एकदम जूसी एकदम सॉफ्ट सा लाहौरी चिकन चरगा बन के तैयार है। तो आप भी इसे बनाइए, मज़ा लीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ जल्द ही। बाय।